अगर आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के क्वेश्चंस 5 सेकंड में सॉल्व करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईएएस टेलीकॉम 1998 के क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉन लीनियर? ऑप्शन ए वाई ऑफ टी इज दिस, ऑप्शन बी वाई ऑफ टी इज 5 टाइम्स एक्स ऑफ टी, ऑप्शन सी वाई ऑफ टी इज दिस, ऑप्शन डी वाई ऑफ टी इज 2 टाइम्स एक्स ऑफ टी प्लस 3.6। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन के मैक्सिमम स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड 1, जो है स्टैंडर्ड मेथड या फिर कह लो कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है कि आपको फर्स्ट स्टेप में y डैश ऑफ टी निकालना है। y डैश ऑफ टी इज नथिंग बट y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। उसके बाद स्टेप 2 फॉलो करना है और स्टेप 2 में आपको निकालना है y डबल डैश ऑफ टी, जहाँ पे इनपुट होगा x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। ओके, उसके रिस्पेक्ट में जो भी आउटपुट है वो निकालो, फिर चेक करो क्या y डैश ऑफ टी बराबर है y डबल डैश ऑफ टी के। अगर बराबर है तो लीनियर सिस्टम, अगर नहीं बराबर है तो नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, तो ये चीज़ को नोट डाउन करना, यहाँ पे आपको लीनियर सिस्टम मिलता है, अदरवाइज अगर नॉट इक्वल है तो नॉन लीनियर सिस्टम। तो मेथड 1 से आप ट्राई करो और देखो आंसर आ रहा है या नहीं। अगर आंसर आ गया तो मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कुछ मिनट्स आपको लग गए हैं टू सॉल्व दी क्वेश्चन। अब मैं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड में बना सकते हो यूजिंग दी ट्रिक। ये सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे मेरे नोट्स में, सिग्नल एंड सिस्टम नोट्स बाय श्रेणिक जैन। आप बाय कर सकते हो इस नोट्स को, आप जस्ट कांटेक्ट कीजिएगा इस आईडी पे, तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। ओके, तो ये है मेल आईडी, यहाँ पे आप ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि नोट्स में मैंने सारी चीज़ों को अच्छे फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। अगर वो ट्रिक्स होने दो या फिर कॉन्सेप्ट या फिर गेट क्वेश्चन या सॉल्व एग्जाम्पल, सभी चीज़ें अच्छे फॉर्म में गिवन है। तो नोट्स के हिसाब से, ट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट क्या है? अगर आपके पास है वाई ऑफ टी इज इक्वल टू पी टाइम्स एक्स ऑफ टी, तो ये सिस्टम है लीनियर सिस्टम। अगर वाई ऑफ टी इज पी टाइम्स एक्स ऑफ टी प्लस क्यू है, तो ये सिस्टम है नॉन लीनियर सिस्टम। कहने का अर्थ, अगर ये पी टाइम्स एक्स ऑफ टी है तब तक तो लीनियर है, बट अगर मैं कॉन्स्टेंट को ऐड कर दूँ प्लस क्यू, ओके, जैसे प्लस 5 या फिर प्लस 10, अगर मैं ऐसा ऐड कर दूँ तो सिस्टम हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम। अब क्वेश्चन की तरफ जाओ और चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखो ऑप्शन बी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पी इंटू एक्स ऑफ टी फॉर्मेट है, जो लीनियर सिस्टम वाला फॉर्म था। ओके, फिलहाल तो हमें ऑप्शन ए और सी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर, बट जैसे ही हमने ऑप्शन डी को देखा तो ये फॉर्म कैसा है, पी टाइम्स एक्स ऑफ टी प्लस क्यू फॉर्म है। अगर ये फॉर्म है तो सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम। स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आपको ए सी तो पता भी नहीं था, तब भी आपने सही ऑप्शन फाइंड कर लिया। तो यही बेनिफिट है ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं भी आते तो भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। अगर ये ट्रिक पसंद आती है तो जरूर कमेंट में बताना। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन, बिकॉज इन गेट एग्जामिनेशन यू हैव टू सॉल्व मोर क्वेश्चन इन लेस टाइम। All these techniques, tricks and concepts you will find in my engineering mathematics notes. So if you want to buy the notes, the contact and the email ID are on the screens now. So friends, agar aapko meri video pasand aa rahi ho, then do like this video, share with your friends and subscribe to my YouTube channel. तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेणिक जैन, पीस आउट।